वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि अपने जितने भी पीजीटी के अब एग्ज़ाम हुए हैं 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के मध्य, तो अपना उनका रिव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जिनकी रह चुके हैं उनको हेल्प मिल जाए। जो कि पीजीटी के कुछ एग्ज़ाम में रह चुके हैं, टीजीटी के पूरे एग्ज़ाम हैं, पीआरटी के पूरे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक हेल्प मिल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्हें प्रिपरेशन रखनी चाहिए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो लास्ट में जैसे ही अपना ये जो सेशन ख़त्म होगा तो अपने देखेंगे कि आपको ये पॉइंट याद रखने चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर हो सके। और दूसरी बात है, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपके जितने भी नोटिफिकेशन आपको वो मिल जाएँ। तो इससे पहले अपने हिंदी के, मैथ का और जीके का आपने बना चुके हैं, ठीक है, रिव्यू काफ़ी एग्ज़ाम का, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अपने को सबसे अच्छा वर्ड छांटना है जो इसके अंदर फिट बैठता हो। और दूसरी, इंग्लिश की एक सबसे बड़ी बात है कि अपने, अगर मान लो इंग्लिश का सबसे बड़ा रूल होता है कि वर्ड फिट बैठना चाहिए, क्या अब सिंपल सा फंडा है कि वर्ड फिट बैठना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि डिड योर कॉलेज डैश इन द यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, डिड योर कॉलेज डैश इन द यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो पहला पार्टिसिपेटिंग, आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट और पार्टिसिपेटेड, तो दो ऑप्शन तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो रह गया पार्टिसिपेट और पार्टिसिपेटेड, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पार्टिसिपेट, ठीक है स्टूडेंट, और डिड के कारण पार्टिसिपेट आएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट इडम एक्सप्रेशन, तो अपने को एक इडम्स यूज करनी है जिसका, जो यहाँ फिट बैठती हो, ठीक है। कहता है कि विराट कोहली इज डैश मोस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए, पहले लिविंग नो स्टोन अनटर्नड, फिर कीपिंग एन आई ऑन, फिर हार्ड एंड फास्ट, चौथा है हेड एंड शोल्डर अबोव, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है से श्रेष्ठ होना, इट मीन्स जो विराट कोहली है से बेटर होना, तुलना कंपैरिजन के मीन में इसका यूज किया जाता है, इस इडम का, हेड एंड शोल्डर अबव का। तो आंसर क्या होगा, हेड एंड शोल्डर, विराट कोहली इज हेड एंड शोल्डर अबव मोस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो, मतलब से श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, आपको इडम्स के मीन पता होंगे, अगर मीन पता है तो आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हो। फिर आता है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, माई क्लीग एंड आई डिसाइड वी वुड कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टू कंक्वर द सीज, माई क्लीग एंड I decided we would continue our efforts to conquer the seas. तो अगर आपको passive के रूल याद है स्टूडेंट, कैसे बनाना है, अपने को पता है कि passive पीछे से बनता है, ये आपको ध्यान है स्टूडेंट, और अपने को पता है कि ये बनेगा कैसे। अब देखिए, दो ऑप्शन तो सीधे ही कट रहे हैं, कभी भी passive जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से नहीं बनता। तो देखिए, पहला ऑप्शन कौन सा, माई, और माई क्लिक से स्टार्ट हुआ था, माई क्लिक से ये बना रहे हैं, ये भी गलत है, और तीसरा भी गलत है। अब रह गया सेकंड और फोर्थ, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा अगर आपने रूल पढ़ा है। अब रूल पढ़ा है तो क्या होगा, इट वाज, क्योंकि इसके पीछे कोई बना नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट वाज, वाज क्यों लगेगा, क्योंकि डिसाइडेड यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो वाज लगेगा, इट वाज डिसाइडेड बाय माई क्लीग एंड मी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आई माई मी, तो ठीक है स्टूडेंट, आई माई मी दैट वी वुड कंटिन्यू अवर एफर्ट टू कंक्वर द सीज, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्ट तो इट से हो रहा है लेकिन यहाँ इज लगा रखा है डिसाइडेड के कारण, यहाँ वाज लगेगा, यहाँ से भी गलती निकल के आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अपने को एक वर्ड छांटना जो फिट बैठते हैं। कहता है ऑन संडे आई डैश हैव माई ब्रेकफास्ट इन बेड एंड स्पेंड द मॉर्निंग रिलैक्सिंग विद ए बुक, ठीक है। एक वर्ड ढूंढना है जो यहाँ फिट बैठता है, पहला फ्रिक्वेंटली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली का मीन होता है तेजी से, क्या होता है, तेजी से, और ग्रेजुअली का मीन होता है धीरे धीरे से, क्या होता है इसका, फ्रिक्वेंटली का तेजी से, या बार बार कह सकते हैं, बार बार, और ग्रेजुअली का मीन होता है धीरे धीरे, यूजली का हमेशा, और रैपिडली का तेजी से। तो देखिए यहाँ ऑन संडे आई फ्रिक्वेंटली, बार बार ये नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे, यूजली हमेशा की तरह, ऑन संडे आई यूजली माई ब्रेकफास्ट इन बेड, हमेशा की तरह मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, एंड स्पेंड द मॉर्निंग रिलैक्सिंग विद ए बुक, और मॉर्निंग अपनी बुक के साथ मॉर्निंग स्पेंड करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ इसका यूज क्या होगा, यूजली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है चूज द करेक्ट सिनोनियम, अपने को सिनोनियम फाइंड करना है, मतलब एक जैसा वर्ड। ओरिएशन का मतलब होता है भाषण देना, क्या होता है, भाषण देना, स्पीच देना। तो कहता है कि सेम इसका अर्थ कौन से वर्ड में मिलेगा,
तो अपने को पता है डायलॉग का अर्थ क्या होता है, संवाद करना किसी से, संवाद वाद विवाद करना, अट्रैक्शन आकर्षण करना, साइलेंस चुप रहना, और स्पीच में भाषण देना। तो ओरिएशन का मतलब क्या होता है, स्पीच देना, भाषण देना, तो हमारा क्या होगा, स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस फोर वर्ड्स आर फ्रेज, कहता है फ्रेजेस दी हुई, अंडरलाइन फ्रेज की हुई है, और इनमें से गलत फ्रेज छाड़नी अपने कौन सी है। तो कहता है इट वॉज ए नियर इम्पॉसिबल मिशन, इट वॉज ए नियर इम्पॉसिबल मिशन एंड वंस मोर फेट हैंडेड मी फेलियर व्हेन आई कुड सी द फिनिश लाइन एंड एक्सपेक्ट टू विन। तो हमारा ऑप्शन ही क्या होगा, एक्सपेक्ट टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंस। अब कहता है कि दो सेंटेंस दे रखे हैं अपने को फुल स्टॉप लगा के, इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ना इसके कुछ रूल होते हैं। तो रितु फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फ्रेंड। रितु फेल्ट वेरी ऑफेंडेड डैश शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो अपने फुल स्टॉप हटाएंगे ये वाला, तो जुड़ेगा किससे, जो वेरी होता है अपने को पता है कि आपने रूल पढ़ा होगा तो सो में चेंज हो जाता है। तो रितु फेल्ट सो ऑफेंडेड दैट शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ी थोड़ी वर्ड में मिस्टेक हो रही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया नहीं है मेरा इंग्लिश में, तो आप माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, अपने को नरेशन पढ़ना है इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपको रूल याद है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है रवि सेड डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब वाज, आई नीड एटलीस्ट 4 टीम मेंबर टू कंप्लीट इट विद इन फ्यू 5 डेज। ठीक है, रवि सेड डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब इज, आई नीड एटलीस्ट 4 टीम मेंबर टू कंप्लीट इट विद इन 5 डेज। तो अगर आपको ध्यान है ना स्टूडेंट, तो सीधी मिस्टेक पता चल रही है, अगर सीधी सी मिस्टेक फाइंड करनी है तो ये देखिए यहाँ इज लगा है, आपको पता है कि जब इसको बनाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये वाज में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वाज में। तो तीनों में देखिए इज लगा हुआ है, कहीं भी ओनली वाज किस में लगा है, सेकंड में। और भी मिस्टेक अपने फाइंड कर सकते हैं, रवि आस्क इफ़ ही अंडरस्टूड, ठीक है, यू का क्या हो जाता है, पहले से चेंज हो जाता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, ठीक है। तो रवि आस्क ही अंडरस्टूड हाउ डिफिकल्ट दैट जॉब, तो अपने को पता है कि बहुत सारी मिस्टेक है, देखिए यहाँ डू चेंज ही नहीं किया, पहला गलत हो गया, वाज से भी पकड़ लिया अपने कि वाज गलत है, ठीक है। रवि सेड आ गया, ठीक है, इफ़ ही अंडरस्टैंड, तो यहाँ देखिए अंडरस्टूड होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये भी गलत है। बहुत सारी सेज का सेज लगा रखा है, चेंज भी नहीं किया इन्होंने, तो एक ही ऑप्शन बनता है कौन सा, जो सेकंड ऑप्शन है इसको सही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि फिर वही वर्ड है, फ्रेज दिए हुए हैं, कहता है अंडरलाइन किए, इनमें से गलत बताना है कौन सा है। कहता है वन डे डिज़ायर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गॉड इज ए नॉट डिवोटी बट ए स्लेवरी ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज टू हिम गॉड इज ओनली ए मीन्स टू एन एंड। ठीक है, कौन सा वर्ड अपने को फाइंड करना है, फ्रेज जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्लेव ऑफ वेल्थ आएगा, धन का गुलाम आएगा, ना कि स्लेवरी ऑफ वेल्थ आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, स्लेवरी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है चूज द पैसेज दैट करेक्टली पंचुएटेड, ठीक है। अब अपने को जैसे हिंदी में अपने विराम चिन्ह पढ़ते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में एक विराम चिन्ह यूज़ किया था, कहाँ फुल स्टॉप लगानी है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो पूरा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भाई मेरे को खुद को बहुत कम आता था, ठीक है, क्योंकि रूल नहीं पढ़े हुए, तो इसका आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद। पहले आप रूल पढ़िए कि क्या क्या रूल हैं, तो ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा इट वॉज डार्क एंड ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जाम में और भी आया था, ठीक है। अब कहते हैं चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, अपने को विपरीत वर्ड ढूंढना है, ठीक है। एक अवॉइड मिस क्या होता है, इग्नोर करना, अनदेखा करना, ठीक है, तो इसका विपरीत ढूंढना है। किल मारना, जो इसके बिल्कुल विपरीत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कवर खोजना, ठीक है, और डज मिस क्या होता है, चकमा देना, ये भी नहीं है, तो रह गया सिक, इसका वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इट लुक्ड क्या है, इट लुक्ड एज इफ द आंसर टू क्विज क्वेश्चन वाज ऑब्वियस बट इट टर्न आउट टू बी, तो डैश यहाँ ढूंढना अपने को कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ये अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, तो ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, इट लुक्ड एज इफ द आंसर टू क्विज क्वेश्चन वाज ऑब्वियस बट इट टर्न आउट टू बी एम्बिग्यूस, मतलब अस्पष्ट, बहुत सारे, एम्बी का मतलब होता है ना सर्व, ठीक है, तो इसका आंसर होगा एम्बिग्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहता है कि इफ अपने को एक चारों ऑप्शनों में से एक फिट वर्ड बढ़ाना है, कहता है कि द मैच वाज क्वाइट बोरिंग,
एज वी कुड ईजली प्रडिक्ट वो वुड बी। अब देखिए जचा के देख ली, मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश का सबसे बड़ी होता है कि जचा के देखिए। द मैच वॉज सो क्वाइट बोरिंग एज वी कुड ईजली प्रडिक्ट वो वुड बी सम विनर, ये गलत हो गया, एन विनर गलत हो गया, द विनर देखिए जचा के देखिए बिल्कुल जच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ भी अपने को इडम दे रखी है, तो इडम अपने को आनी चाहिए ताकि अपना जो क्वेश्चन पेपर है ईजिली बन सके। कहता है वाई आर यू डैश यू पेड टू नीड व्हेन यू वर वॉर्न सो मैनी टाइम्स, वॉर्न मतलब वॉर्न किया आपको कितनी बार, तो कौन सा इडम्स होगा, क्राइंग एंड स्प्लिट मिलक जिसका अर्थ होता है अपसेट होना, क्या होता है अपसेट होना, वाई आर यू क्राइंग अवर स्प्लिट मिलक, अब तुम क्यों अपसेट हो, तुम्हें कितनी बार वार्निंग दे चुके हैं फिर भी तुम इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ को, तो इसका मीनिंग होता है, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इडियम फ्रेजेस के मीनिंग आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। क्राइंग आवर स्प्लिट मिलक का अर्थ होता है अपसेट होना, ठीक है, नाराज होना, दुखी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द अपने को करेक्टली मतलब करेक्ट बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए अगर अपने ग्रामर की बात करें, ग्रामर में आई थिंक यहाँ ए लगेगा, जी आर ए डबल एम ए आर होता है, ये भी गलत हो गया, इरेलीवेंट बिल्कुल सही है। रिसीव की बात करूँ, रिसीव में क्या आएगा, आर ई सी, ठीक है, ई आई वी होता है, ठीक है, आई ई, ये मोस्टली गलती की होती है, मैं आपको नियम सिखाऊंगा कि इसको कैसे फाइंड करना है, ई आई में बहुत सारी गलतियाँ, एक मिनट में आप पहचान जाओगे कि इसको कैसे पहचानते हैं, आई बाद में आएगा, फिर इमीजिएट ये भी गलत है, तो रह कौन सा, इरेलीवेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, अब आपको पढ़ना क्या है ताकि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा बन सके, तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट एक पैसिव वॉइस का नियम याद रखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है हर में, और एक इनडायरेक्ट स्पीच उसके क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ, दो नंबर यहाँ से फिट बैठेंगे, और दूसरे आपको इडम्स याद रखने हैं और फ्रेजेस, ये कहाँ से पढ़ने हैं आपको, केडी की बहुत अच्छी बुक आती है, केडी कैंपस की आप ले लीजिए, उसमें इडम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी में आए हैं उनको याद कीजिए ताकि आपका पेपर बेटर बन सके, तो आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन इन तीन टॉपिकों से बेटर बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।